माय चाइल्डहुड, इट इज द चैप्टर ऑफ बीहाइव, चैप्टर नंबर 6, एंड इट इज रिटन बाय ए.पी.जे. अब्दुल कलाम. एज द नेम रिटन, यू एवरीबडी नो इज अ रिनाउंड पर्सन. व्हाई आई एम टेलिंग इज हैज अ रीजन बिहाइंड. लोग बड़े लोगों के बारे में स्लोगन करते हैं, अमर रहे अमर रहे अमर रहे. ग्रेट पर्सन नेवर डाइज. इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी सेक्शन वी विल टॉक अबाउट द सिचुएशन, वेदर द प्रेजेंट और द पास्ट. ही हैज गॉन अवे, पास्ट अवे, सो दैट मोस्ट ऑफ टाइम we used to say he was a renowned person, a famous scientist. Later he got the India's highest position, being the president of India, 11th president of India. Bharat ke 11th president bane the. He has brought the project. When he has brought the project, that time India is considered a poor and weak country. Weak country means in the field of defense system. So he has brought the project in space, defense and nuclear technology. Most of developed country has developed the missile system, intercontinental missile system. Intercontinental missile system means the missile can travel from this continent to that country, have a longer ways, and missile has a warhead before. They can carry the nuclear bomb. It is considered the stealth one. Stealth system means that is not under the radar system. Radar cannot catch it. जिसको radar पकड़ लिया तो उसके दूसरे missile से मारकर उसको गिरा सकते हैं, लेकिन radar के पकड़ में आता ही नहीं है. एक बार टारगेट फिक्स कर दो, वहां पहुंच जाएगा, उसको बीच में कोई नहीं रोक पाएगा. हमारे यहां भी इनके हेल्प से न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी बनाए गए. स्पेस में इंडिया ने बड़ा कदम भी उठाया. अर्लियर वी यूज टू हियर दैट इंडिया हैज गॉन टू फ्रांस, अमेरिका, रशिया, ओनली पेइंग द रिक्वेस्ट दैट माई सेटेलाइट इज टू बी लॉन्च इन द स्पेस. नाउडेज जस्ट रिवर्स कंडीशन हैज बीन सीन. दे यूज टू कम टू इंडिया फॉर सेंडिंग द सेटेलाइट इन टू द स्पेस. इंडिया हैज मेड द रिकॉर्ड. इन अ सिंगल टाइम 104 सेटेलाइट हैज बीन टेकन इन द वर्ल्ड. इट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड. भारत आज दुनिया में बहुत आगे आ गया विद द हेल्प ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम. ही वॉज नॉट ओनली द साइंटिस्ट, द प्रेसिडेंट, बट ऑल्सो द चाइल्ड लवर. ही हैज विजिटेड मेनी इंस्टीट्यूशंस, मेनी स्कूल्स टू गाइड द चिल्ड्रेन, टू मीट द चिल्ड्रेन. एज इट इज सेड दैट ही हैज नेवर टेकन लीव इन हिज लाइफ टाइम. कभी जीवन में छुट्टी नहीं लिया, और छुट्टी लिए भी तो वह अपने घर में रहने के लिए नहीं लिए, वह किसी न किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ बिताते थे, उनको मोटिवेट करते थे. ही हैज रिटन अ बुक विंग्स ऑफ फायर. काफी नोटेबल बुक हुए, रिनाउंड बुक हुए, काफी फेमस बुक है.
it is considered that it is the autobiography. Another important book, Unending Questions, which is related to children. बच्चों के पास सवालों के भंडार होते हैं, अनएंडिंग, कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता है. जैसे बड़े होते जाते हैं सवाल कम होते जाते हैं, लेकिन बच्चे, छोटे बच्चे ज़्यादा सवाल पूछते हैं. और उनके इस बुक में मेंशन है, मैंने पढ़ी है वह बुक, उस बुक में उन्होंने लिखे हैं कि एक बार मैं मध्य प्रदेश के किसी स्कूल में गया था, विजिट किया, बच्चों से मिलने थे, बच्चों को मोटिवेट करते थे जाकर, उन्हें पढ़ने के लिए बारे में प्रेरित करते थे. तो एक बच्चे ने कहा कि इंडिया इज अ लैंड वेयर नेट ऑफ रिवर्स आर फाउंड. हमारे यहाँ नदियों का जाल है, इतनी रिवर्स है, कितनी रिवर है, दिन भर लिखोगे खत्म नहीं होगा. गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, कावेरी, सिंधु, ब्यास, रावी, झिलाव, चेलम, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, सरिता, तरैया, तरनी, कितने सारे रिवर्स हैं. ये सब नाम भी आदमी को याद नहीं होगा. जब नेट ऑफ रिवर्स है तो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन महाराष्ट्र एंड दिल्ली, वाई नॉट दिस रिवर कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू दोज एरियाज. आज साइंस कुछ भी कर सकता है. आज देखते हो कि हर जगह वाटर पहुँचाए जा रहे हैं. दिल्ली की वाटर 2030 तक शॉर्टेज हो जाएगा, वहाँ का आदमी क्या पिएगा. जमुना का पानी ड्रिंकेबल है नहीं, काली गंगा कहा जाता है, गंदी नदी है, दुनिया का सबसे गंदा नदी जमुना ही है और सबसे खतरनाक अमेज़न. लेकिन भारत ने भी इससे हार मानने को तैयार नहीं है और इजराइल से वाटर को प्यूरिफाई करने वाले मशीन का परचेजिंग किया जा रहा है, जिससे गंदे पानी को समंदर के पानी को भी पीने लायक बना देता है. इसमें इजराइल ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया और वह हमारे यहाँ भी आ रहे हैं. तो इसके समस्या सॉल्व होंगे. एपीजे अब्दुल कलाम से बोले कि क्यों नहीं रिवर वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं उस एरिया की तरफ जहाँ यह पीने का पानी भी सप्लाई करे, राजस्थान की तरफ कर दो जहाँ एग्रीकल्चर के काम आए. साइंस ऐसा कर सकता है. APJ Abdul Kalam told that it was the best idea and I have never seen such type of things and why not it is to be transported. And you see, so many canals have been made in the region of Punjab and Rajasthan which made the land fertile. Now Punjab and Haryana divisions are considered the best grown areas in India. सबसे ज़्यादा उपज करने वाला वह राज्य बन गया. एंड द नेम गिवन इंदिरा गांधी कैनाल, दैट टाइम इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर. बंजर भूमि को भी फर्टाइल बना दिया. तो चिल्ड्रन हैव अनएंडिंग क्वेश्चंस. बच्चे हजारों सवाल पूछते हैं. जब प्ले नर्सरी वाले बच्चे होते हैं तो वह बहुत सारे सवाल पूछते हैं. आपने खाया, आपने क्यों नहीं खाया, आपने कितना खाया, आपने कब खाया, कैसे खाया. लेकिन आप सवाल इतने ज़्यादा नहीं पूछोगे क्योंकि आप उस स्टेज से थोड़ा ऊपर आ जाओगे, आ गए हो, और आपके सवाल धीरे धीरे कम होते जाएंगे. अनएंडिंग क्वेश्चंस इज द बेस्ट बुक विच वॉज रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम इन विच चिल्ड्रंस आइडिया हैज बीन प्लेस्ड. बट टुडे वी विल टॉक अबाउट द बुक विंग्स ऑफ फायर. व्हाट इज विंग्स ऑफ फायर? इट इज स्पेशली रिलेटेड टू द मिसाइल सिस्टम. But in which he has written his own biography, that is called autobiography, and this story, My Childhood, is the part of Wings and Fire.
इन विच ही हैज मेंशन हिज अर्ली डेज अमीन्स चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिनों की सिर्फ कहानी है इसमें। बचपन एपीजे का कैसा था, अब्दुल का जीवन कैसा था, वाज अ नॉर्मल अब्दुल ए बॉय एंड एज इट इज द ऑटोबायोग्राफी यू कैन अंडरस्टैंड दैट द स्टोरी स्टार्ट्स विद आई माय कौन अब्दुल। यहाँ सिर्फ अब्दुल की बात करें, वो बड़े होकर ये रिनॉन्ड चेहरा बने, लेकिन जब वह अब्दुल था तो छोटा था। कहते हैं कि आई वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास। आइलैंड टाउन, आइलैंड द लैंड विच इज सराउंडेड विद द वाटर, आइलैंड टाउन में उनका जन्म हुआ था, रामेश्वरम नाम था। हिज फादर्स नेम वाज जैनुल आबिद, नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, ना तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई किए थे ना अच्छा ज्यादा धनी बन जाते थे। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, ये सब डिसएडवांटेजेस हैं, जिनके पापा पढ़े लिखे हैं अच्छे जॉब करते हैं तो वो लकी हैं, उनके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिनके फादर जॉब नहीं करते हैं तो दीज आर डिसएडवांटेजेस। स्टूडेंट्स वॉन्ट टू डू मैनी थिंग्स इन लाइफ बट गार्जियन आर नॉट सपोर्टेबल, दोज गार्जियन आर सपोर्टेबल दे मे गो अप। इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद ही हैज ग्रेट इमेंस विजडम ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्प्रिट ही हैज एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ माई मदर असीमा। बींग दिस डिसएडवांटेजेस एवरी थिंग इज टू बी प्रोवाइडेड टू कना, हर गार्जियन अपना खाए चाहे ना खाए अपने बच्चे को जरूर खिलाता है और उसी से उसको संतुष्टि होता है। एज इट इज सेड अबाउट द इंडियन लेडी, इफ सी फेड हर चिल्ड्रेन देन हर स्टोमक ऑटोमेटिकली फिल्ड। भारतीय महिलाएं दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू वाली होती, बच्चों के पेट भर दिए तो उसका पेट खुद भर जाता है, सरप्राइजिंग मैटर तो नहीं है, ऐसा होता है। पर उससे भी बड़ी बड़ी चीजें होते हैं, आपको तो आपकी मम्मी ने अपने खून पसीने से पाला, नहीं सोच सकते हो उस मदर का कितना इंपॉर्टेंस है। और एक रियल हेल्पमेट थे जैनुल आबिदीन का, जिनकी नाम थी असीमा मीन्स अब्दुल मदर। हियर अब्दुल इज टेलिंग आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड टू गेट फीड बाय माय मदर बट आई कैन से दैट द नंबर ऑफ पर्संस इन माय फैमिली is comparatively less than the outdoor persons who come for eating. घर में जितने लोग थे उससे कहीं ज्यादा लोग डेली बाहरी लोग खा लेते थे। कितनी ट्रू जेनरसिटी होगा, कितने रियल हेल्पमेट होंगे, कितने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड होगा, उसके मम्मी और पापा कितने अच्छे होंगे कि बाहरी लोग को भी खाना खिलाया था। I was one of many children as it is considered in Indian mythologies, especially belongs to Muslim communities. मैं बहुत सारे बच्चों में एक थे, यानी मेरे मम्मी पापा के बहुत बच्चे थे। But क्या था, I was rather a short boy, undistinguished looked, born to a tall and handsome parents. मम्मी पापा handsome थे लेकिन मैं, सारे भाई बहन अच्छे थे लेकिन मैं एक अनडिस्टिंग्विश्ड लुक में था, एक अजीब सा दिखने वाला, एज यू कैन सी ही इज नॉट अ स्मार्ट पर्सन।
एपीजे अब्दुल कलाम को देखो कैसे देखते हैं, एक छोटा सा आदमी, हावर डिफरेंट हेयर स्टाइल एंड उतने स्मार्ट दिखने वाला भी नहीं था, जबकि उसके मम्मी और पापा हैंडसम थे, टॉल भी थे, लेकिन ये शॉर्ट थे। रेदर वर्ड इज यूज फॉर निगेशन है। एंड आई यूज टू लिव इन अ ब्रिक हाउस, घर पक्के के बने हुए थे, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, वेयर ऑन द मस्की स्ट्रीट इन रामेश्वरम, मस्जिद गली में, रामेश्वरम के मस्जिद गली में पक्का का घर था जहाँ हम लोग रहते थे, और वो एंसेस्ट्रल हाउस था, यानी पैतृक घर थे, पूर्वजों के घर थे, यानी पहले से बना हुआ था। माय ऑस्टियर फादर, ऑस्टियर मीन्स सिंपल स्ट्रिक्ट, एंड जिनके फादर स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत के फादर लिबरल होते हैं, लेकिन इनके फादर स्ट्रिक्ट थे, अपने बच्चों के प्रति और अपने फैमिली के प्रति। यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स, जो जरूरी कंफर्ट नहीं थे उसको अवॉइड कर देते थे, जिन चीज की जरूरत परिवार को नहीं थे उसको अवॉइड कर देते थे, लग्जरी को अवॉइड करते थे, बट ऑल द नेसेसरी थिंग्स आर प्रोवाइडेड टू अस, यानी हम लोगों को जरूरत के सारे चीज प्रोवाइड कराते थे लग्जरी को छोड़कर। इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स, दीज आर द बेसिक नेसेसरी थिंग्स, कुछ हो चाहे ना हो ये सब चीज हम लोगों को समय पर मिलते रहते। In fact, I would say mine was very secure childhood. सब मिला जुला कर इतना तो जरूर कह सकते हैं कि मेरा childhood वो secure था, successful था, both materially and emotionally, दोनों तरह से successful था। अब now the situation was the time of Second World War. When the Second World War broke out, 1939 and it ends in 1945. इस विदिन की कहानी है। When I was 8 years old, एपीजे कहते हैं उस समय मेरी उम्र 8 साल थी, 8 साल का बच्चा था। For reason I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seed erupted in the market. बच्चा होने के वजह से मुझे ये पता नहीं चला कि आखिर बाजार में एकाएक टैमरिंड सीड का डिमांड क्यों बढ़ गया। टैमरिंड सीड, यू नो टैमरिंड सीड, इमली खट्टा होता है, खाता भी है, चटनी बनते हैं उसको, उसकी डिमांड बाजार में बढ़ गया। एपीजे कहते हैं मैं तो बच्चा था 8 साल का, पता नहीं क्यों इसके डिमांड बाजार में ज्यादा हो गए, ये मुझे पता नहीं था। आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सेंड देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मस्की स्ट्रीट, ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन आना, पता नहीं क्यों बढ़ा नहीं बढ़ा, मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं भी कुछ बीज कलेक्ट करके प्रोविजन शॉप में बेच देता था जो मस्की स्ट्रीट में था, मस्जिद गली में जो दुकान थे किराने के वहां बेच दिया करता था, और उससे एक आना हमको मिल जाया करता था। अर्लियर आना इज टू बी इन प्ले, आना चलता था, एक आना, दो आना, चार आना, आठ आना और एक रुपए, एक पैसे, दो पैसे, पांच पैसे, दस पैसे, बीस पैसे भी चलते थे। एक आना मीन्स समथिंग सिक्स पैसे, समथिंग सिक्स पैसे, क्योंकि 16 आने बराबर एक रुपये होते, तो 1600 डिवाइडेड 16 आपका निकल जाएगा, 6 point something कुछ पैसे होते थे, उतने पैसे हमको उस टैमरिंड सीड को कलेक्ट करके बेचने से मिल जाता था।
माय ब्रदर इन लॉ यू नो ब्रदर इन लॉ बहनोई जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दिनामणि. दिनामणि इज द न्यूज पेपर स्पेशली इट इज फेमस इन साउथ इंडिया दैट टाइम. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन उसके बहनोई का नाम क्या था जलालुद्दीन वो वार के बारे में बताते कौन सा वार सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट हो चुका था. सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की बात है वो युद्ध के बारे में बताते थे और मैं बाद में दिनामणि न्यूज पेपर में ढूंढता था कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ. तो मैं इस वार के बारे में दिनामणि न्यूज पेपर में ढूंढा करता था. आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड हालांकि वर्ल्ड वार से मेरा जो एरिया था वो बिल्कुल अलग था उस पर कोई वार का इफेक्ट नहीं था. यहां से भी सोल्जर को लेकर चला गया था ना अंग्रेजों ने. एंड कंप्लीटली अनएफेक्टेड बाय वार और वार से बिल्कुल अनएफेक्टेड था कोई युद्ध का प्रभाव नहीं था. बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइंड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर. भारत को भी फोर्सफुली ज्वाइन कराया गया अलाइड फोर्सेस के साथ और भारत में इमरजेंसी घोषित कर क्योंकि वार कहीं भी लगे अफेक्टेड सब होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब अफेक्टेड होता है. द फर्स्ट कॉजुअल्टी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. मैंने बताया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब पर असर पड़ते हैं. कहता है पहला युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा कि रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी हॉल्ट मीन्स रुकना वह रुकने बंद हो युद्ध के प्रभाव शुरू हो गए. आज भी युद्ध लग जाए तो आपकी लंबी ट्रांसपोर्टिंग सारे बंद हो जाएगी सारे ऑफिसेस बंद कर दिए जाएंगे सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे सारे स्कूल को हॉस्पिटल में टर्नअप कर दिया जाता है क्योंकि घायल लोगों की ट्रीटमेंट कहाँ होगी. बड़े बड़े स्कूलों को आर्म्स एंड एमिनेशन गोदाम बना दिया जाएगा गोला बारूद भर दिया जाएगा. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब सफर करता है. रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रुकने बंद हो गए. अब न्यूज पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑफ रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी. अब न्यूज पेपर जो ट्रेन से आते थे जो रामेश्वरम में उतारे जाते थे जिनका व्यापार एपी के फैमिली लोग करते थे अब तो वहां ट्रेन रुकती नहीं है तो न्यूज़पेपर के बंडल कैसे उतरेंगे. तो चलती ट्रेन में ही रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच चलती ट्रेन से फेंक देता था. दैट फोर्स्ड माई कजन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज पेपर इन रामेश्वरम. जो मेरा कजिन था जिसका नाम शमसुद्दीन था जो न्यूज़पेपर के कारोबार करते थे रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट करने के काम करते थे टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस. जाहिर सी बात है मेरे चचेरे भाई का धंधा था मुझे भी लगा दिया गया कि ट्रेन से बंडल फेंकूंगा तो तुम कलेक्ट करना और कह रहा है कि इसके बदले शमसुद्दीन हमको पैसे देते थे न्यूज़पेपर कलेक्ट करने के पैसे देते थे और वह मेरा फर्स्ट वेजेस था पहली मजदूरी थी जो मैंने कैसे किया टू कलेक्ट द थ्रोन बंडल ऑफ द न्यूज़पेपर. तो इट वॉज माई फर्स्ट वेजेस पहली जीवन की मजदूरी जो मैंने की वह न्यूज़पेपर कलेक्ट करके. किसी प्रेसिडेंट ने कह रहा है कि मैंने पहली मजदूरी कैसे किया न्यूज पेपर कलेक्ट करके किया. बट इट वॉज द डे ऑफ द चाइल्डहुड डेज व्हेन ही वॉज 8 years ओल्ड एंड व्हाई दिस सिचुएशन हैपेंड ड्यू टू द ब्रेकिंग आउट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट केम एज द हॉल्ट of the train
हैज बीन सस्पेंडेड, जो ट्रेन रुकती थी एट रामेश्वरम स्टेशन पर वह रुकना बंद हो गया था। तो मेरे जो भाई शमसुद्दीन जो न्यूज़पेपर के कारोबार करते थे, ही अप्लाइड मी टू होल्ड द थ्रोन बंडल ऑफ न्यूज़पेपर थ्रू विच आई अर्नड माय फर्स्ट वेजेस, राइट। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माय ओन मनी फॉर द फर्स्ट सेंचुरी। हाफ अ सेंचुरी लेटर गब्बर हिट द सेंचुरी, मतलब 100 रन, हाफ अ सेंचुरी 50 वर्ष के बाद भी, आज मैं गर्व से कहता हूं, मैं मीन्स अब 50 वर्ष के बाद कौन हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम, वो फर्स्ट मजदूरी अब्दुल ने करी थी, वाजा स्मॉल बॉय, आज 50 साल बाद भी वह कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैंने अपनी पहली कमाई किस तरह से की थी। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ ऑथोरिटी। सीधी सी बात है भाई, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, हेरिडेटरी कैरेक्टर विच इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एज ही हैज टोल्ड दैट माई ऑस्टेयर फादर, समझना, बताए थे ना उधर कि माई ऑस्टेयर फादर एंड ग्रेट हेल्पमेट असीमा हैज अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्विंग टू द अदर्स, ये सब क्वालिटी था तो वो तो इनके अंदर भी आए ना, अपने मम्मी पापा के गुण इनके अंदर भी आए, वो बात बता रहे हैं। क्या क्या गुण आए, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, पापा से मैंने क्या सीखा था, ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, ये मैंने पापा से सीखा था, एंड मदर से फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो, सिर्फ मैं ही नहीं मेरे तीन भाई बहन ने पापा से क्या सीखा, ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, और मम्मी से फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, ये सब गुण मेरे अंदर भी आए थे। नाउ अब 8 साल से बड़ा हो गया, तो बच्चों के जो छोटे बच्चों के दोस्त होते हैं वह ओनली प्ले टाइम फ्रेंड, उसको बोलते हैं प्ले टाइम फ्रेंड, जब तक खेला खत्म हो गया दोस्ती भूल गया उसको, जितना देर खेल रहा है उतना देर ही दोस्ती रहती, फिर भूल गया। जब वही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब उसकी दोस्ती लंबी होनी शुरू हो जाती है, नहीं नहीं भी खेल रहा है तो अपने दोस्त का याद आया, व्हाट्सएप भी किया, ए मोटो क्या कर रहा है, कौज नहीं खा के लेटे हैं, व्हाट्सएप, खेलने के बाद भी उसके रिकॉलिंग होते हैं। तो अब बड़े हो गए 8 साल से और अब बता रहे हैं कि आई हैव थ्री फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड्स कौन, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन, दे बिलोंग टू साउथ इंडिया एज द नेम टेल्स अस। देख रहे रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये तीन दोस्त थे, ऑल दीज बॉयज वेर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, ये तीनों हिंदू ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे, समझने वाली बात, कट्टर घोर हिंदू फैमिली से था, जबकि उस पुराने समय में बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी थे अमंग हिंदू एंड मुस्लिम, बट साउथ इंडिया हैज मेड इट रोल्स ऑफ द इमेंस फ्रेंडशिप अमंग देम, ये याद रखने, सबसे कट्टर हिंदू आपको साउथ इंडिया में मिलेगा,
वह ऐसे धोती और हाफ शर्ट और देखना तीन लाइन मारे रहे हैं ना। इवन हमारे सोसाइटी में तो सबसे बड़े कास्ट होते हैं ब्राह्मण अमंग हिंदूज, नहीं ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति होता है, उनका रिस्पेक्ट करते हम लोग। हमारे घर लोगों के घर आ जाते थे तो पहले उनके पांव धोए जाते थे, सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा चरण अमृत देते थे, उनके पांव से भी अमृत चूते, चरण अमृत पांव धो करके बच्चों को भी पिलाते थे, हम लोग भी पीते थे, माथा में भी लगाते थे चरण अमृत। ब्राह्मण लोग बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं, आज भी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे ऊंचे कास्ट होते हैं तो वो लोग ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, हो दोज थ्री फ्रेंड्स रामनाथ शास्त्री अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस अमंग आवरसेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन्स डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। कहता बच्चे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कहाँ होता है, जब बड़ा हो जाता है ये हिंदू है तो ये मुस्लिम है तो ये क्रिश्चियन है तो ये सिख है। नहीं, कल भी मैंने बताया था आप लोगों को ये सब कोई बात नहीं होता, ये हम लोगों का मूर्खता है, ऐसी कोई बात नहीं, सारे लोग इंसान होते हैं, कोई जाति पाति। ये तो तब क्रिएट किया गया था वेदाज के टाइम में, बिकॉज कहता था बहुत एविल होने वाला है तो जग करा, जग कौन कराएगा मंत्रोच्चारण, तो एक ब्राह्मण क्रिएट किया वो मंत्र उच्चारण करेंगे, उसके बाद क्षत्रिय किया जो उसकी रक्षा करेगा, बाहर से राक्षस आएगा उसको मारेगा, एज यू हैव सीन इन रामायण। वैश्य धनी जाति के लोग थे जो कृषि करते थे बिजनेस करते थे, वो यज्ञ के खर्च देते थे और शूद्रा उस यज्ञ को मेंटेन करने में जो वर्किंग लेबर का काम करते थे वो शूद्र कहलाते थे। आजकल ना तो वेदाज ना तो यज्ञाज, तो फिर व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट द कास्टिसिज्म। बट अब्दुल कलाम इज टेलिंग कि बीइंग अ चिल्ड्रन नो सच डिफरेंसेस आर सीन। छोटा थे बच्चा थे हम लोगों में कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, बिकॉज माय ऑल थ्री फ्रेंड्स आर बिलोंग्स टू द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, कोई फर्क नहीं पड़ता था, बच्चे थे हम लोग। इनफैक्ट रामनाथ शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। हाई प्रिस्ट रामेश्वरम के टेम्पल आज काफी फेमस है, देखो उसके प्रधान पुजारी थे उसके पापा, उसके बेटे का नाम था रामनाथ शास्त्री। किसका बेटा था? लक्ष्मण शास्त्री, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था रामनाथ शास्त्री। अब सोचो कि वो कितने ऑर्थोडॉक्स होंगे। लेटर ही टूक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। फिर बाद में उसके पापा उस मंदिर के पुजारी के पोस्ट से रिटायर कर गए तो पापा की जगह पर हेड प्रिस्ट बन गया, बेटा बन गया, नाम क्या था? रामनाथ शास्त्री। अरविंदन वेंट इनटू अ बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री। मोस्ट ऑफ ग्रेट टेम्पल्स आर इन साउथ इंडिया, ये बात याद रखना। तो सो ऑब्वियसली पिलग्रिमेज विल विजिट देम और उसके आने जाने का टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट वाली सिस्टम का धंधा करने लगा अरविंद बड़ा होकर के। अपने तीनों दोस्तों के बारे में बता रहे कि बड़ा होकर कौन क्या बना। रामनाथ शास्त्री अपने फादर का पोस्ट ले लिया, अरविंदन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टिंग का धंधा करने लगा एंड शिव प्रकाशन बिकम द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे। और शिव प्रकाशन जो थे सदर्न रेलवे में फूडिंग प्रोवाइड करने का, कैटरिंग का काम, लोग पैसेंजर को खाने का जो व्यवस्था करने का काम होता है वो काम में लग गया। और चौथा दोस्त कहाँ पहुंचे? हाईएस्ट पोजीशन ऑफ इंडिया, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, बहुत बड़ा नाम है, भारत रत्न मिजाइल मैन एपीजे अबुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम।
बड़ी ऊंचाई तक पहुंच गया। बींग अ सॉर्ट रेदर अनडिस्टिंग बॉय, सीख लो, इनको लोग मोटिवेशन के अंडर लेते हैं। आज जो बच्चे समझते ना, हम स्मार्ट नहीं है, हम बहुत छोटा है, हम बहुत दुबला पतला है, हमको वैल्यू नहीं देता है क्लास में, वो भी यहाँ तक पहुँच सकता है। बस अत्य आपके डिटर्मिनेशन पावर होना चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, कुछ भी कर जाओ, राइट। अब देखो क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, एक फेस्टिवल होता है, राम विवाह, राम विवाह, रामचंद्र जी शादी करे थे ना, किससे करे थे, मदर सीता से। सीता मैया कौन थी, राजा जनक की बेटी थी, ठीक बोले, राम की पत्नी। मेरे गांव में भी थे गंगा बाबू, गंगा भाई कितना धान लाओ, वही पिछलका साल से 10 मन ज्यादा, पिछला साल कितना, अभी 10 मन कम। राम कौन थे, तो सीता के हस्बैंड, सीता कौन थी, राम की वाइफ, नो प्रॉब्लम। तो वो राम विवाह एक बड़ा फेस्टिवल है वहां का, और बड़ी अजीब बात आपको समझ में आएगा, इस राम विवाह के सारे अरेंजमेंट्स मुस्लिम फैमिली करते हैं। शौक लगा, शौक लगा, जो आज यहाँ हिंदू मुस्लिम भेदभाव करता है उसके लिए शौक लगना बहुत जरूरी है। सोचो, वेल कॉम्बिनेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, कितने अच्छे कॉम्बिनेशन थे। एंड आवर फैमिली, एपीजे स्टेलिंग, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स फॉर द स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड रामा फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, मैरिज साइट तक ले जाने के लिए। वो मैरिज साइट कहाँ है, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामतीर्थ। रामतीर्थ एक बहुत बड़ा तालाब है, राम भगवान के मंदिर से आइडल को, राम भगवान के मूर्ति को उस राम तीर्थ तक ले जाने की जिम्मेवारी हमारे फैमिली की होती थी। अच्छा लगता है सुनकर, नहीं, कितने अच्छे ढंग से हिंदू और मुस्लिम रहते थे उस समय, अभी तो सिचुएशन खराब है, और कुछ ये मूर्ख लोगों ने खराब किया है, पढ़े लिखे लोगों के बीच ये कंट्रोवर्सी नहीं है, मूर्ख लोगों ने। तो राम तीर्थ तक ले जाते थे, विच इज नियर माई हाउस, जो मेरे घर के पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वेयर बिकेम द बेड टाइम स्टोरीज ऑफ माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। सोचो, कह रहे हैं पीजेता कि बेड टाइम स्टोरी, बेड टाइम स्टोरी आपकी मम्मी सुनाती होगी, आपके पापा सुनाते होंगे, सोने वक्त जो कहानी सुनाया जाता है, मेरी मम्मी और मेरी दादी रामायण और प्रॉफेट मोहम्मद की कहानी सुनाते थे सोने वक्त। कितने अच्छे वो मुस्लिम फैमिली होंगे जिस फैमिली में रामायण की भी कहानी सुनाए जाते, प्रॉफेट मोहम्मद की भी कहानी सुनाए जाते, कितना अच्छा सा कॉम्बिनेशन लगता है। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th standard, अब वो 5वें स्टैंडर्ड में पहुंच गया, 5 क्लास में। जब मैं 5वें क्लास में पढ़ता था रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में ही 5 तक की पढ़ाई होती थी, 5 से ऊपर की पढ़ाई मिडिल स्कूल में होती थी, फिर हाई स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी से। तो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था, तो ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, क्लास में आए। आई यूज टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज मुस्लिम, कहता मैं एक कैप पहनता था, मुस्लिम कैप, जो यह साफ दिखाता था कि मैं मुस्लिम हूँ। पहनता है मुस्लिम लोग वह कैप, रिलीजियस कैप कहलाता है।
एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो, सबसे पहले रो पर बैठता था, नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री, रामनाथ शास्त्री के बगल में, हु वोर द सीक्रेट थ्रेड, जो सीक्रेट थ्रेड पहनता था, जनेऊ पहनता था। सीक्रेट कैप फॉर मुस्लिम, सीक्रेट थ्रेड फॉर हिंदू, ब्राह्मण लोग, राजपूत लोग, ये लोग पहनते हैं जनेऊ। तो रामनाथ शास्त्री वह जनेऊ पहनता था और मैं मुस्लिम कैप पहनता था। नए टीचर आए थे, कुड नॉट स्टोमेक द हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय, उसको हजम नहीं हुआ। किसको? टीचर को, कि हेड प्रिस्ट के बेटा के साथ एक मुस्लिम लड़का क्यों बैठा, उसको हजम नहीं हुआ, कुड नॉट स्टोमेक, ना बर्दाश्त नहीं कर सका। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग, जो सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग, एज आई टोल्ड, ब्राह्मण हैज द हाइएस्ट पोजिशन इन द सोसाइटी, समाज में बड़ा सम्मान होता है ब्राह्मण का। तो न्यू टीचर सॉ इट वॉज, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंचेस, मुझे कहा उठो जाओ वहां पीछे बैठना, एपीजे को उठाकर पीछे बिठा दिया। आई फेल्ट वेरी सैड, मैं बहुत उदास हो गया, एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री, और उतना ही उदास रामनाथ शास्त्री भी हो गए। ही लुक अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, मैं लास्ट रो में बैठा, उदास था, रामनाथ शास्त्री भी उदास थे। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, रुआसा सा चेहरा, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, लेफ्ट द लास्ट इंप्रेशन ऑन मी, वो अभी भी मुझे याद है, उनके रुआसा सा चेहरा। आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल खत्म होने के बाद, वी वेंट होम, घर गए, एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बताया अबाउट द इंसिडेंट्स, यानी वह इंसिडेंट जो क्लास में हुई थी, मैंने अपने पापा को बताया, उसने भी, रामनाथ ने भी अपने पापा को बताया। वह पक्षी लक्ष्मण शास्त्री संबंध द टीचर, टीचर को मैसेज भेजे बुलाने के लिए, और हम लोगों के सामने में टोल्ड द टीचर, कहा कि he should not spread the poison in local inequality and communal intolerance in the mind of the innocent children. आप बच्चों के दिमाग में या communal जहर क्यों बो रहे हैं, क्यों इसके मन में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। He bluntly asked, गुस्से में बोला, जोर से बोला टीचर, to apologize or quit the school and the island. चाहे तो माफी मांगो, नहीं तो ये स्कूल छोड़ दो, ये आइलैंड छोड़ करके चले जाओ, ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है कि बच्चों के दिमाग में ऐसी जहर क्यों डाला। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, वो टीचर ने सिर्फ पश्चाताप ही नहीं किया अपने व्यवहार के लिए, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन मीन्स स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीव, लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अटरली रिफॉर्म्ड द यंग टीचर, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने उस यंग टीचर के दिमाग में बदलाव लाए, उनके बुद्धि विचार में बदलाव लाया कि वह कभी ऐसे काम नहीं करेंगे।